हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रेशो जो स्टार्ट किए थे उसका ये पार्ट टू है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, रेशो के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है तो आप रेशो को पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं आता रेशो के बारे में, यानी आप रेशो और प्रोपोर्शन जो भी पढ़ें आपको उसमें से कुछ नहीं आता है, आपको प्रॉपर्टीज अगर नहीं आता है तो। तो इस प्रॉपर्टीज को पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर अगले वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, रेशो ऑफ अ नंबर एंड ए एंड बी इज रिटेन। देखिए, रेशो ऑफ अ नंबर ए और बी जो है उसको कैसे लिखा हुआ है। देखिए, जो रेशो का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, डबल जीरो होता है, ठीक है। ये रेशो का साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए और इसके बी लिखा है, और अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज कॉल्ड प्रिडिक्शर, यानी ए जो है उसे क्या कहते हैं, प्रिडिक्शर कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ए है ना, इसको ये जो ए है हमारा, इसे हम प्रिडिक्शर कहते हैं। वो भी फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म, अगर चलो ए नहीं दिया होगा मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम कहते हैं प्रिडिक्शर, और जो सेकेंड यानी बी यानी सेकेंड टर्म होगी, सेकेंड टर्म उसे हम कहेंगे सक्सेसर, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज अभी क्या है, इन द रेशो ऑफ टू नंबर, रेशियो में क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं। इफ द सेकेंड टर्म इज 100, अगर हमारा सेकेंड टर्म 100 होगा, क्या हुआ, अगर हमारा सेकेंड टर्म 100 होगा, इट इज नोन एज अ परसेंटेज। उसको हम कैसे जानेंगे, परसेंटेज। देखिए, अगर सेकेंड टर्म 100 होगा, अब जैसे मेरा है ए जो है हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, मान लीजिए 15 है, ठीक है। बी हमारा क्या है, 100 है, यानी अब ये क्या परसेंटेज के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये किसके फॉर्म हो जाएगा, परसेंटेज। अगर सेकंड नंबर 100 है फ्रेंड्स, ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज, जो कि द रेशियो रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स टर्म आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय नॉन जीरो। अगर हमारा जो रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होता है, कब चेंज नहीं होगा, जब अगर नॉन जीरो से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, क्या होगा, नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के 3:4, यानी 3:4 दिया हुआ है, और 6:8 इज इक्वल टू 9:12। आप बोलोगे सर ये सब तो अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे हम 3:4 इज इक्वल टू क्यों लिखे हैं यहाँ पे इतना। देखिए अब ये एक ही है, अब कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे 3/4 है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया इज इक्वल टू 6/8। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, 2:3 = 6 और 2/4 = 8, यानी 3/4 आ जाएगा, यानी 3:4 सबका वैल्यू कितना है, बस 3:4 है, बस इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बस जीरो से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ अभी है बाय नॉन जीरो, ठीक है। सिमिलरली जगह हमें तीन रेशो दिया जाए, जैसे 2:3:5, यानी 2:3:5, तो यहाँ पे भी देखिए ए इज इक्वल टू 8:12:20 दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, सेम वही है कि 2 से सबको डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, जब 2 से सबको डिवाइड, देखिए यहाँ पे हर 2 से नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, तो यानी जो भी यहाँ पे नंबर है सबको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। इफ के इज नॉन जीरो, अब जो यहाँ पे 8, 12, 20, अगर के हमारा नॉन जीरो नंबर है, देन देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, जैसे यहाँ पे ए इज टू बी है और इसका एक का वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, के यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, के। तो ए इज टू बी है, यानी ए के इज टू बी के, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है फोर्थ प्रॉपर्टीज, जो कि है द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशो मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। अब जो भी क्वांटिटी, ये जो बोलते हैं ना, फोर्थ और फिफ्थ जो हमारा प्रॉपर्टीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्यों है मैं बता देता हूँ, इसको समझ लीजिए तो आपको रेशो समझ में आ जाएगा, बस इतना ही है। द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशो मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट, यानी जो भी क्वांटिटीज हम लेंगे वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम और यहाँ पे मैंने रेशो में डाल दिया है 1 kg, ठीक है। तो अब इनका हम रेशो नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये kg में है और ये ग्राम में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, kg को हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। केजी को हमें किसे बदलना पड़ेगा, ग्राम में, तब जाके हम निकाल सकते हैं रेशो।
अगर यहाँ पे देखिए लिखा भी है सेम यूनिट, क्या होना चाहिए सेम यूनिट। अब यहीं पे अगर नीचे अगर हम फिफ्थ वाले प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज यूनिटलेस, यानी रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, जब दो रेशियो का हम क्वांटिटीज निकालेंगे उस समय वो बोलते हैं ना यूनिटलेस रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा यूनिटलेस रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 kg, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 kg एंड यहाँ पे है 300 grams, ठीक है, 2 kg एंड 300 grams। अब हमें निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है, ठीक है। तो 2 kg को हम किससे, अब देखिए ग्राम है तो ग्राम में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी को, तो केजी को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2 kg क्या हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा, और एंड के जगह पे हम रेशो डाल देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 300 grams, क्योंकि ग्राम्स पहले ही में था, ठीक है। फिर यहाँ से 20 कटेगा तो यहाँ पे भी 20 कटेगा, यानी 20:3। अब यहाँ पे हम नहीं डालेंगे, यहाँ पे यूनिट नहीं डालेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, जो भी हमारा रेशो आएगा वो यूनिट लेस होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।